तो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस फोटो को एडिटिंग करने वाले हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो गाइस, हम लोग इस फोटो की करेंगे बेसिक कलर करेक्शन। तो उसके लिए आप लोगों को आ जाना है गाइस एडिट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस एक लाइट का ऑप्शन। तो लाइट वाले ऑप्शन पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग गाइस इसका कंट्रास्ट को एडजस्ट करके देख लेंगे। तो मैं कंट्रास्ट को गाइस थोड़ा सा माइनस की साइड रखूँगा। उसके बाद हाइलाइट्स को एडजस्ट कर लेंगे। तो बैकग्राउंड में हाइलाइट्स ज़्यादा है तो गाइस मैं इसको थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। उसके बाद शैडो को इंक्रीज कर देंगे कुछ इतना +40, और वाइट्स को गाइस माइनस कर देंगे, और ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इतना। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन पे, नीचे कलर वाले ऑप्शन पे। तो कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसका टाइम को एडजस्ट कर लेंगे। तो टाइम को मैं इधर पे रख रहा हूँ गाइस थोड़ी सी प्लस की साइड। उसके बाद वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे, और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे यार इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और इसका क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और डीएच को माइनस की ओर करेंगे, और यहाँ बिगनेट को हम लोग कर देंगे -43, और फेदर को थोड़ा सा प्लस। उसके बाद हम लोग वापस एक कलर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक राउंड सर्कल। तो इस पर प्रेस करके कलर मिक्सर वाले ऑप्शन पे हम लोग आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग ऑरेंज कलर का सेचुरेशन को माइनस कर देंगे, और लुमिनस को बढ़ा देंगे कुछ इतना। उसके बाद हम लोग येलो वाले कलर पे जाएंगे और इसका सेचुरेशन को माइनस कर देंगे, और इसका ह्यू को भी गाइस -100 कर देंगे। उसके बाद ग्रीन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसका ह्यू को भी माइनस कर देंगे, और सेचुरेशन को भी गाइस यहाँ पे माइनस कर देंगे, और इसका लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे बस। उसके बाद गाइस आप लोगों को कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद गाइस आप लोगों को आ जाना है नीचे कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे। तो सबसे पहले तो गाइस मैं इसका सेचुरेशन को फुल्ली बढ़ा दूंगा, और यहाँ पे एडजस्ट करके देख लूंगा। तो यहाँ पर काफ़ी मस्त लग रहा है गाइस फोटो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन मिड टोन पे चले जाएंगे, और इसको भी एडजस्ट करके देख लेंगे अकॉर्डिंग टू फोटो। तो ये वाली टोन में रखूँगा, और इसका सेचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे हाइलाइट्स वाले ऑप्शन को। उसके बाद हाइलाइट्स को भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो हाइलाइट्स में देख लेता हूँ मैं कौन सी कलर अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे हम लोग लाइट ब्लू की साइड रखेंगे, और इसका सेचुरेशन को एडजस्ट करके देख लेंगे कुछ इतना। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे कर देना है डन। उसके बाद गाइस आप लोगों को नीचे आ जाना है डिटेल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे इसका शार्पनिंग को बढ़ा देना है, और यहाँ पे नॉइस पे जाके इसका नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा देंगे गाइस, और कलर नॉइस को भी हल्का सा इंक्रीज कर देंगे, और यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो बिफोर आफ्टर में गाइस आप लोगों को फोटो दिखा देता हूँ। तो फोटो तो कुछ खास है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग चले जाना इस वाले मास्किंग वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे गाइस आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, तो इस वाले पे ऐसे प्रेस कर देना है, और यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को ऐसे सिलेक्ट करके क्रिएट कर लेना है, और फोटो को एडजस्ट करके गाइस इसको कुछ नीचे से कुछ ऐसे ऊपर की साइड ला के यहाँ पे लाइट में जाके इसका एक्सपोजर को ना माइनस कर देना है, और शैडो को भी माइनस कर देना है, और यहाँ से कर देना है डन। तो डन गाइस हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है। तो सेव करने के लिए आपको शेयर वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेव कॉपी टू डिवाइस। तो डन गाइस हमारी फोटो गैलरी में सेव हो चुकी है। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसी कलर टोन में आप अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए, तो मैं गाइस इसका एक प्रीसेट बना के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से सिंपल से डाउनलोड करके अपने किसी भी फ़ोटो पे अप्लाई करके ऐसा कलर टोन पा सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।